iPhone SE 2 in 2023. Let's talk about this. तो ये है iPhone SE second generation जो कि लॉन्च हुआ था 2020 में। तो चलो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस फोन के बारे में, क्या ये फोन आज की डेट में आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। भाई ये आज की डेट में आपको नया कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा, ये बेसिकली आपको रिफर्बिश खरीदना पड़ेगा या फिर ग्लोबल कहीं से जुगाड़ लग गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि वो आपको एक्सपेंसिव ही पड़ेगा। और इस वाले फोन को अगर आप रिफर्बिश खरीदने का सोच रहे हो तो ये अराउंड 15-16 हजार रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। तो भाई क्या ये 15 हजार में वर्थ करता है कि नहीं, लेट्स फाइंड आउट। चलो बात कर लेते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड की। यहाँ पे आपको जो डिजाइन मिलने वाला है ये सेम टू सेम आईफोन 8 वाला डिजाइन मिलने वाला है। यहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो एप्पल लोगो है ये सेंटर में है। इसके अलावा पीछे आपको पूरा ग्लास बैक देखने को मिलता है, एक सिंगल कैमरा विद फ्लैश ऑफर करता है, चारों तरफ पे राउंडेड एल्यूमिनियम एजेस देखने को मिल जाती हैं, यानी कि जो पूरा का पूरा फ्रेम है ये 7000 सीरीज के एल्यूमिनियम का है। फ्रंट में आपको बहुत ही बड़ी बड़ी बेजल्स वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि काफी छोटी स्क्रीन साइज का है। ओवरऑल फोन की हाइट 5.45 इंच विथ 2.66 इंच और 148 ग्राम के वेट के साथ ये आता है जो कि काफी लाइट वेट है। ओवरऑल फोन जो है काफी हैंडी है, बहुत अगर आपके बहुत छोटे हाथ है तो ये काफी कंफर्टेबल होगा आपको पकड़ने में चलाने में, बट एक्चुअली आज के फोन्स के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत छोटा है। ये आपको वाटर रेसिस्टेंट भी मिलता है, लेकिन क्योंकि रिफर्बिश खरीद रहे हो तो फिर वाटर रेसिस्टेंट की कोई गारंटी नहीं होती है। फोन के लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं और एक साइलेंट स्विच मिल जाता है, राइट साइड पे लॉक बटन मिलता है और सामने की तरफ पे यहाँ पे आपको होम बटन देखने को मिलता है जिसमें आपको ये टच आईडी ऑफर करता है। IP67 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट मिलता है, लेकिन क्योंकि ये रिफर्बिश खरीदोगे तो कोई इसमें गारंटी नहीं है वो कैसा काम करेगा। और इसमें आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, यानी कि स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, एक ऊपर की तरफ पे एक नीचे। इसमें कोई भी हेडफोन जैक नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट लाइटनिंग केबल का ऑप्शन मिलता है, ऑल्सो एक माइक्रोफोन मिल जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। इसमें आपको 4.7 इंच का रेटिना डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है। इसकी पीक ब्राइटनेस 625 निट्स तक की है जो कि काफी एवरेज सी है, लेकिन आप बोल सकते हो कि डिसेंट ब्राइटनेस है। अगर रिजोल्यूशन की बात करूं तो 750x1334 के पिक्सल्स मिल जाते हैं जिसकी पिक्सल डेंसिटी 326 PPI है। ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले काफी आपको बेटर मिल रहा है क्योंकि एक IPS डिस्प्ले है, उसके बाद भी ये अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो क्वालिटी काफी डिसेंट है, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बहुत पुराना सा डिस्प्ले इसमें दे दिया है। हाँ डिस्प्ले का साइज जरूर आपको बहुत छोटा मिलने वाला है, मतलब 4.7 इंचेस मतलब क्या होता है यार आज की डेट में। इसके अलावा अगर आप इसमें YouTube वगैरह देखते हो तो भाई आपके पास 2160 तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है HDR में, लेकिन ऑनेस्टली क्योंकि ये डिस्प्ले इतना नहीं है, इतने इसमें रेजोल्यूशन ही नहीं है, तो भाई ये 4K में डिस्प्ले कहां करेगा क्योंकि एक्चुअली में ये एक 1080p का डिस्प्ले है। इन शॉर्ट बताऊं तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है, सोशल मीडिया वगैरह थोड़ा बहुत आप स्क्रॉल कर सकते हो, कंटेंट वॉचिंग के लिए काफी छोटा हो जाता है डिस्प्ले, और गेमिंग के लिए तो भाई ना ही समझो, गेमिंग के लिए तो ये डिस्प्ले नहीं ही बना हुआ है। चलो अब बात कर लेते हैं इसके चिपसेट की। इसमें आपको एप्पल की A13 बायोनिक चिप मिल जाती है और ये वो सेम चिपसेट है जो कि आपको आईफोन 11 में देखने को मिलता है। इसके अंदर हेक्साकोर CPU, 4 कोर GPU और 8 कोर न्यूरल इंजन मिल जाता है। अगर डे टू डे टास्क की बात करूं, ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग की बात करूं, तो उसमें आपको बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस मिलने वाली है, कहीं से भी ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बहुत स्मूथली आप डे टू डे सारे टास्क कर सकते हो, इंस्टाग्राम YouTube वगैरह चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी। सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करूं तो इसमें आपको iOS 17, iOS 18 तक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि एक अनदर एडवांटेज हो जाता है इस वाले फोन का। अगर इसकी गेमिंग की बात करूं तो इसकी गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो आपको एवरेज ही देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि इसका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा छोटा है जिसकी वजह से आप इसमें गेमिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल से कर पाओगे, तो ओवरऑल अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो बहुत ही बेकार है, यहाँ पे बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है आपको। हाँ इसका प्रोसेसर जो है ये अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करने के केपेबल है, लेकिन क्योंकि इसका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा छोटा है तो आप इसमें गेमिंग नहीं कर सकते। तो भाई ओवरऑल गेमिंग के लिए फोन नहीं बना हुआ है। इसके अलावा अगर दूसरे टास्क की बात करूं, जितने भी डे टू डे टास्क होते हैं वो आराम से इसमें कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा आज भी। बात करूं अगर इसकी बैटरी की तो यहाँ पे आपको 1821 mAh की बैटरी मिल जाती है, चूंकि भाई बैटरी बैकअप मैं नहीं बोलूंगा कि ये पूरा दिन आपका साथ देगा, बिकॉज क्योंकि आप इसको रिफर्बिश खरीदने वाले हो या फिर सेकंड हैंड खरीदने वाले हो तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन में है, कितने परसेंट उसकी बैटरी हेल्थ है और बैटरी उसमें ओरिजिनल डली हुई है भी या फिर नहीं। इसमें आपको 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि पीछे ग्लास बैक है, और 18 वॉट की वायर चार्जिंग भी कर सकते हो। बैटरी बैकअप की बात करूं तो भाई ये फोन आपको 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है क्योंकि भाई बहुत पुराना फोन है ये, ऑल्सो क्योंकि अगर सेकंड हैंड भी खरीदोगे तो हो सकता है कि बैटरी हेल्थ आपको इतनी अच्छी ना मिले, तो ये चीज मान के चलो कि इस फोन को आपको 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको साइड में यूज करते हो, सिर्फ फोन उठाने रखने के लिए फोन यूज करते हो, कि ये 2 बार चार्ज करना पड़ेगा, और अगर यूज आपका कम है तो हो सकता है कि पूरा दिन ये आपका साथ दे दे। ये इस फोन का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट
पॉइंट है, हाँ डिस्प्ले भी है लेकिन डिस्प्ले दूसरे नंबर पे है, ये सबसे पहला माइनस पॉइंट मिल जाता है इसका, इसकी बैटरी बैकअप। चलो अब बात करते हैं इसके कैमरास की। इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा लेंस मिल जाता है और 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अगर इसके आउटपुट की बात करूं तो काफी डिसेंट आउटपुट इसमें देखने को मिलता है, कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा और कहीं से भी आपको फील नहीं दिलाएगा कि एक 3 साल पुराना फोन है। इसके रियर कैमरा से आप 4K 60fps तक मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हो और अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात करूं तो इसमें आप 1080p 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑल्सो इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि एक बहुत कमाल की बात हो जाती है। इसी के साथ साथ इसमें आपको लो लाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है, लो लाइट में भी काफी अच्छी फोटोज क्लिक करता है, मतलब डिसेंट फोटोज क्लिक करता है और अगर आउटडोर में क्लिक करते हो तो काफी अमेजिंग कैमरा क्लिक्स हैं इसके। मैं आपको इसके कुछ फोटोज एंड वीडियोस के सैंपल दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये किस लेवल का आउटपुट आपको देता है। ये इसका बैक कैमरा और ये शूट कर रहा है 4K 60fps पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई किस लेवल का आउटपुट इसमें देखने को मिलेगा और व्लॉगिंग के लिए ये सबसे बेस्ट चीज हो जाती है इस वाले फोन में, क्योंकि फोन काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, व्लॉगिंग करने में काफी इजी पड़ता है। तो आप देख सकते हो किस लेवल का आउटपुट इसमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये है iPhone SE का फ्रंट कैमरा जो कि शूट कर रहा है 1080p 30fps पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो तो किस लेवल का आपको आउटपुट देखने को मिलेगा इसमें, और मैं सोचता हूँ कि काफी डिसेंट आउटपुट है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। चलो बात करते हैं इसके स्पीकर्स की। भाई इसमें आपको काफी डिसेंट स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर लाउडनेस की बात करूं तो बहुत कम देखने को मिलती है, मतलब साउंड का जो वॉल्यूम है ये काफी कम है, भले इसमें स्टेरियो स्पीकर्स है उसके हिसाब से भी, लेकिन जो इसका साउंड की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो इस चीज का बस ध्यान रखना, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है लेकिन साउंड के मामले में काफी कम हो जाता है। तो चलो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस वाले फोन को खरीदना चाहिए 2023 में या फिर नहीं। तो देखो इसका आंसर काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आपको एक सेकेंडरी फोन चाहिए जो कि काफी अच्छे फोटोज क्लिक कर सके, काफी अच्छे वीडियोस क्लिक कर सके, अगर आप उसको कॉलिंग वगैरह के लिए भी यूज करना चाहते हो तो आराम से यूज कर सकते हो, छोटा सा फोन है आपके जेब में आराम से आ जाएगा, तो इस फोन की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन अगर इसको आप प्राइमरी फोन खरीदने का सोच रहे हो, यानी कि अगर आप iOS का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो और इसको एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज बैटरी बैकअप इतना बेकार है कि अगर आपने इसको प्राइमरी यूज किया तो आपको इसको 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ सकता है दिन में। ऑल्सो इसका डिस्प्ले काफी ज्यादा छोटा है, 60Hz का डिस्प्ले है, LCD पैनल है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको इसको प्राइमरी फोन यूज करना चाहिए, हाँ सेकेंडरी फोन के लिए इनफ हो जाती है स्क्रीन। और क्योंकि iOS 18 तक का सपोर्ट मिलेगा तो फ्यूचरिस्टिक भी हो जाता है, तो इस हिसाब से आप इसको एक सेकेंडरी फोन की तरह आराम से यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कैमरास भी काफी डिसेंट हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, आप क्या सोचते हो इस वाले फोन के बारे में नीचे कमेंट कर देना, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियोस के लिए और बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं बताऊं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।